ถ้ามีอะไรเนี่ยคุณบอกผมได้เสมอนะฉันแค่คิดเรื่องงานไม่มีครั้งไหนเลยที่คุณจะถ่ายรูปกับลี่ด้วยความเต็มใจที่ตรงนี้ข้างๆคุณฉันขอบใจนะที่ทำให้ฉันหานายจนเจอเพราะมันใช่ไหมนายถึงต้องวางมือฉันไม่มีทางยอมให้นายวางมือแนะ่มึงจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดว่าการโดนหักหลังเนี่ยมันเป็นยังไงมีความสุขกันมากใช่ไหมअस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, बिया ज़िंदगी से तंग आ गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे ज़ालिम इंसान के जुल्म से निकाला तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूअर्स, सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूअर्स, सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन, सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूअर्स, आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, बिया ज़िंदगी से तंग आ गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे ज़ालिम इंसान के जुल्म से निकाला तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूअर्स, सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूअर्स, सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन, सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूअर्स, आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, बिया ज़िंदगी से तंग आ गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे ज़ालिम इंसान के जुल्म से निकाला तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूअर्स, सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूअर्स, सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन, सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूअर्स, आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, बिया ज़िंदगी से तंग आ गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे ज़ालिम इंसान के जुल्म से निकाला तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूअर्स, सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूअर्स, सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन, सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूअर्स, आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स बिया जिंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूवर सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूवर्स सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूवर्स आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स बिया ज़िंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूवर्स सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूवर्स सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूवर्स आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स बिया ज़िंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूवर्स सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूवर्स सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूवर्स आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स बिया ज़िंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूवर्स सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूवर्स सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूवर्स आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, व्यूवर्स बिया ज़िंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूवर्स सरफराज ने लैला बेगम को कुछ पैसों की ऑफर कर दी। सरफराज चाहता है कि मैं बिया को हासिल करूँ, लेकिन वली ने लैला बेगम को मना की है कि सरफराज आइंदा इस घर में मैं ना देखूँ। व्यूवर्स अगले एपिसोड में आप देखेंगे लैला बेगम घर से जाएगी और सरफराज को कॉल करेगी कि सरफराज बिया घर में अकेली है, जाओ और इसके साथ अपना कुछ टाइम गुजारो और मेरे हिस्से के पैसे मेरे हवाले कर दो। व्यूवर्स सरफराज जब घर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है और बिया दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा खोलती है। नाजरीन सरफराज बिया को हरेस करने का पूरा कोशिश करता है, लेकिन बिया खुद को महफूज रखती है और उससे अपने आप को बचाती है। तो व्यूवर्स आप बताएं कि क्या वली घर आकर बिया को सरफराज से बचा सकती है? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स बिया जिंदगी से तंगा गई है। पहले दनियाल की वजह से बिया दर बदर थी, और जब खुदा ने बिया को दनियाल जैसे जालिम इंसान के जुल्म से निकाला, तो अब लैला बेगम ने अपने तजुर्बे शुरू कर दी। व्यूअर्स सरप्राइज ने लैला बेगम को कुछ पैसे